इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर SBI PO, आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, RRB Pre 2020 के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया है, जिसपे डेली हम राउंड अबाउट 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। अब सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अल्फाबेट सीरीज़ का एक सेट, देन न्यू पैटर्न लॉक से कुछ सवाल, बॉक्स बेस्ड पजल, सर्कुलर अरेंजमेंट, और फाइनली एंड हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के एक छोटे से सेट के साथ। तो चलिए आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले टेस्ट सीरीज़ के बारे में एक छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। अगर अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपने परचेस नहीं की है तो मेरा सजेशन है प्रैक्टिस मॉक के लिए। प्रैक्टिस मॉक का जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट है। एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं, और अगर आप एक बार उन्हें इसे टेस्ट करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री टेस्ट है SBI PO प्री के लिए, जाके आप उसे देख सकते हैं। अगर पसंद आए आपको तो डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है, 1 महीने, 8 महीने और 12 महीने के लिए। बहुत ही रिजनेबल रेट पे है। ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, आज ही टेस्ट सीरीज़ परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अल्फाबेट सीरीज के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए लेट्स सी, देखें। इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट इन ईच वर्ड इज इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो चेंज कर दिया जाए, जैसे फर्स्ट का चेंज करें रन बन जाएगा, बिल्कुल मीनिंगफुल वर्ड है। डेन का चेंज करें EDN बन जाएगा, नहीं है सर। मैट का करें तो AMT बन जाएगा, नहीं है। फॉर का करें तो OFR बन जाएगा, नहीं है। की का करें तो KIS बन जाएगा, सॉरी KSI बन जाएगा, बिल्कुल नहीं है सर। तो सिर्फ एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है और वो क्या है, रन है सर। तो किस किस के लिए बन रहा है सर, सिर्फ ओनली URN आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज कीजिए, पॉज करके फिर से अटेम्प्ट कीजिए। लेट्स सी क्या दिया हुआ है। इफ़ द गिवन वर्ड आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपियर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से सेकेंड कौन सा होगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको जमाना है तो यार फर्स्ट लेटर पे फोकस करो, UDMFS। इसको जमाना हम स्टार्ट करते हैं, कैसे जमेंगे सर। D आएगा, फिर F आएगा, फिर M आएगा, फिर आपका S आ जाएगा, DFMS, और फिर एंड में U आ जाएगा। अब आपको राइट एंड से सेकेंड चाहिए, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, S वाला कौन सा था सर, SKI। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए लेट्स सी, देखें एक बार जल्दी से। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच ऑफ द कंसोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर एंड ईच वोवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन इन हाउ मेनी वर्ड्स थस फॉर्म्ड विल एन अल्फाबेट अपियर ट्वाइस। अच्छा, तो कंसोनेंट को प्रीवियस लेटर में चेंज करना है और वोवल को नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको बताना है ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें एक अल्फाबेट दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है सर, देख लेते हैं जल्दी से। URN से स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट से। URN, U क्या है सर, वोवल है। U के जस्ट बाद क्या आता है, V आता है, V आ जाएगा। R क्या है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट है तो पहले आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा सर। N देखते हैं सर, N कंसोनेंट है, पहले वाला M आ जाएगा, इसमें रिपीट नहीं हुआ, बाहर। DEN में देख लेते हैं सर, पहले आ जाएगा, पहले क्या आता है इसके सर, पहले इसके सर सी आता है। ई क्या है, वोवल, वोवल बाद में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एन से पहले एम, ये क्या हो जाएगा, बाहर। मैट का देख लेते हैं सर, एम क्या है, कंसोनेंट, पहले का देखेंगे, क्या आ जाएगा सर, ओ आ जाएगा सर। ए का क्या देखेंगे सर, बाद का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या है सर, टी कंसोनेंट है तो पहले क्या आ जाएगा सर, एस आ जाएगा, बाहर हो गया। फॉर में अगर चेक करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ओ क्या है, बाद का, क्या आ जाएगा सर, एक मिनट के लिए रुकिए, यहाँ पर एम से पहले ओ नहीं है, सॉरी एम से पहले एल था। अब ओ से जस्ट बाद में क्या आएगा सर, पी आ जाएगा। आर से जस्ट पहले क्या आ जाएगा, आर से जस्ट पहले क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा सर, तो ये भी बाहर हो गया। स्काई का देख लेते हैं सर, एस के जस्ट पहले क्या आ जाएगा सर, आर आ जाएगा। के से जस्ट पहले क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, जे आ जाएगा सर।
आई से जस्ट बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा सर। तो यहाँ पर जे क्या हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे कितने वर्ड मिल रहे हैं, ऐसा सिर्फ सर एक वर्ड मिल रहा है जिसमें दो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो ठीक है, सबसे पहले राइट से सेकेंड वर्ड को ढूंढते हैं। राइट से सेकेंड वर्ड सर ये रहा है, इसका भी क्या चाहिए, फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर है एफ। फर्स्ट लेटर चाहिए वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से सेकेंड कौन सा है ये, इसका भी क्या चाहिए था, फर्स्ट चाहिए था सर। तो सर डी और एफ के बीच में कितने वर्ड्स आते हैं, ए बी सी डी ई एफ। सर सिर्फ एक लेटर आपका बीच में आता है, सिर्फ कितने लेटर आते हैं सर, एक लेटर आपका बीच में आता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लेट्स सी इफ द सेकेंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, सेकेंड अल्फाबेट को किस में चेंज किया जा रहा है, नेक्स्ट अल्फाबेट में। हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड इन विच टू और मोर वोवल्स अपीयर। ठीक है, वोवल्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो किस किस में चेंज करना है सर, सेकेंड अल्फाबेट में चेंज करना है। ठीक है सर, सेकेंड अल्फाबेट एस आ जाएगा, नहीं सर एक ही वोवल है इसमें। सर ई आपने चेंज कर दिया तो एक वोवल जो था वो भी चला जाएगा, ये भी बाहर, ये भी वोवल है तो ये भी बाहर, ये भी वोवल है ये भी बाहर। के का देख लेते हैं सर, के का नेक्स्ट क्या आ जाता है। हाँ जी, के का क्या आ जाएगा एक बार जल्दी से चेक करके बताइए सर। के का आपका एल आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो सर यहाँ पर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बनेगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा वोवल अपीयर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, नन आ जाएगा। चलिए अब कुछ सिलॉग्स के सवाल देख लेते हैं, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार फटाफट से। लेट्स सी क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू किंग आर क्वीन। कुछ ही किंग ऐसे हैं जो क्या हैं, क्वीन है। इसका मतलब कुछ किंग ऐसे भी हैं जो क्वीन नहीं है। 100% जैक आर किंग, सारे के सारे जैक क्या हैं, किंग है। तो जैक को किंग के अंदर रख लीजिए। नो क्वीन इज जोकर, कोई भी क्वीन ऐसी नहीं है जो क्या है, जोकर है सर। जनरली जोकर्स आर कार्ड्स, जनरली का मतलब होता है सम होता है, तो सम जोकर्स आर कार्ड्स। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ईच क्वीन, सॉरी ईच जैक आर क्वीन, ईच का मतलब होता है ऑल। क्या सारे के सारे जैक के क्वीन होने की पॉसिबिलिटी है क्या, सारे के सारे जैक सर अगर क्वीन कर दें तो किसी को प्रॉब्लम है क्या। बिल्कुल सर, सारे के सारे जैक आप क्वीन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरी क्वीन कैन बी कार्ड्स, अब एवरी का मतलब भी सर ऑल है और कैन बी का मतलब है सर पॉसिबिलिटी। तो ऑल किंग बींग कार्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी पूछा गया है क्या, तो सारे के सारे किंग क्या कार्ड्स हो सकते हैं क्या सर। बिल्कुल सर, सारे के सारे किंग आप कार्ड्स के अंदर लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा सर, बोथ फॉलोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। लेट्स सी ओनली अ फ्यू नंबर्स आर डिजिट्स, कुछ ही नंबर्स ऐसे हैं जो क्या है, डिजिट्स हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं, इसका मतलब कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो डिजिट्स नहीं है। ओनली अ फ्यू डिजिट्स आर सिंबल्स, सिर्फ कुछ ही डिजिट्स ऐसे हैं जो सिंबल्स है, इसका मतलब कुछ डिजिट्स ऐसे भी हैं जो सिंबल नहीं है। 50% सिंबल्स आर अल्फाबेट, इसका मतलब क्या हुआ, सम सिंबल्स आर अल्फाबेट्स। ठीक है सर, सम सिंबल्स आर अल्फाबेट्स। नॉट अ सिंगल अल्फाबेट इज सीरीज, कोई भी, सॉरी कोई भी ऐसी आपके अल्फाबेट नहीं है जो क्या है, सीरीज है। तो क्रॉस कर दिया सर। अब पहला कंक्लूजन देखेंगे, 100% डिजिट्स कैन बी सीरीज, कैन बी का मतलब क्या है सर, पॉसिबिलिटी है। तो सारे के सारे डिजिट्स क्या सीरीज हो सकते हैं क्या सर, सर सारे के सारे डिजिट सीरीज नहीं हो सकते, नहीं बिल्कुल हो सकते हैं। सारे के सारे डिजिट सिंबल नहीं हो सकते, सारे के सारे डिजिट सीरीज तो लेकर जा ही सकते हैं। सारे के सारे डिजिट्स अगर मैं सीरीज के अंदर रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल हो जाएगा। 100% अल्फाबेट्स कैन बी डिजिट्स, सारे के सारे अल्फाबेट्स क्या डिजिट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो सर सारे के सारे अल्फाबेट्स क्या मैं डिजिट्स के अंदर लेकर जा सकता हूँ क्या सर, बिल्कुल सर लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा सर। यहाँ पर भी क्या आ गया है, बोथ फॉलोस। चलिए एक सवाल और है, जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए।
लेट्स सी क्या दिया हुआ है। ओनली डायमंड आर गोल्ड, ओनली डायमंड आर गोल्ड को कैसे लिखोगे सर? ऑल गोल्ड आर डायमंड, तो सारे के सारे गोल्ड क्या है सर? डायमंड है। नो डायमंड इज रिंग, कोई भी डायमंड क्या है? रिंग नहीं है। ओनली अ फ्यू प्लैटिनम आर गोल्ड, सिर्फ कुछ ही प्लैटिनम ऐसे हैं जो क्या है? गोल्ड है। इसका मतलब कुछ प्लैटिनम ऐसे भी हैं जो गोल्ड नहीं होंगे। सम रिंग आर सिल्वर, कुछ रिंग ऐसी हैं जो क्या है? सिल्वर है सर। ठीक है, अब सर ओनली से जो नो का स्टेटमेंट आता है वो लिखने का समय आ चुका है, वो लिख लेते हैं। अब सर नो गोल्ड, गोल्ड का किस किस से रिलेशन नहीं है सर? डायमंड और प्लैटिनम से तो था, पर सर रिंग और सिल्वर से नहीं था, तो ये आ जाएगा नो गोल्ड इज रिंग, नो गोल्ड इज सिल्वर। तो ये स्टेटमेंट और निकल के आएगा ओनली वाले स्टेटमेंट से, इसका भी ध्यान रखिए। चलिए अब देखते हैं, ऑल प्लैटिनम बीइंग डायमंड इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे प्लैटिनम डायमंड हो सकते हैं क्या? सर सारे के सारे प्लैटिनम डायमंड तो हो सकते हैं, पर सारे के सारे प्लैटिनम गोल्ड नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर। नो रिंग इज़ गोल्ड, कोई भी रिंग गोल्ड नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, इस वाले स्टेटमेंट से पता चल रहा है। सिल्वर बीइंग प्लैटिनम इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सिल्वर के प्लैटिनम होने की पॉसिबिलिटी है क्या? सर सिल्वर प्लैटिनम हो सकता है क्या? बिल्कुल सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा सिल्वर आप बिल्कुल प्लैटिनम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सर ये क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑल फॉलोस। चलिए एक सवाल और है, ये भी देख लेते हैं, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। लेट्स सी क्या दिया हुआ था। ओनली बनाना आर एप्पल, इसका मतलब क्या हुआ सर? ऑल एप्पल आर बनाना। ठीक है सर, सारे के सारे एप्पल क्या हैं? बनाना है। अभी नो का स्टेटमेंट इसका लिखिएगा मत, जब भी ओनली की बात की जाए तो सिर्फ ऑल का पहले लिख लीजिए, नो का जो भी रिलेशन है वो बिल्कुल एंड में लिखिएगा। ओनली अ फ्यू बनाना आर ऑरेंजेस, ठीक है, सिर्फ कुछ ही बनाना क्या है? ऑरेंजेस हैं। इसका मतलब कुछ बनाना ऐसे भी हैं जो ऑरेंज नहीं है। ओनली 55% ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, सिर्फ 55% ऑरेंजेस ही ग्रेप्स हैं, याद रखिएगा सिर्फ 55%, सिर्फ 55% ऑरेंजेस ही क्या होंगे? ग्रेप्स होंगे, मतलब बाकी बचे हुए 45% ऑरेंजेस ग्रेप नहीं होंगे, बाकी बचे हुए 45% जो ऑरेंजेस हैं वो ग्रेप्स नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ओनली का मतलब ये क्लियर आपको एक डेफिनेट परसेंटेज देता है। 100% ग्रेप्स आर एप्पल, क्या अच्छा 100% ग्रेप्स आर एप्पल, मतलब सारे के सारे ग्रेप्स क्या हैं? एप्पल्स, पाइन एप्पल्स है। ठीक है सर, इस तरह से नोट कर लिया। अब सर जो नो का रिलेशन आप नोट करने वाले थे ओनली से, वो देख लीजिए। अब ये जो एप्पल है इसका किस किस से रिलेशन नहीं है सर? इसका ऑरेंज से भी रिलेशन नहीं है, इसका ग्रेप से भी रिलेशन नहीं है, पाइन एप्पल से भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका निकल के आ जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑल बनानास कैन नेवर बी ग्रेप्स, कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है सर? कैन नेवर बी जहाँ पर भी दिया जाए वहाँ पर सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन लिख लीजिए। तो इस कंक्लूजन को आप ऐसे लिखोगे, सम बनानास आर नॉट ग्रेप्स, तो ऐसे कुछ बनाना है क्या जो ग्रेप्स नहीं है? चेक कर लेते हैं, अगर सर मैं सारे के सारे बनाना ग्रेप्स के अंदर ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल 100% प्रॉब्लम है सर, नो एप्पल इज ग्रेप बोल रखा है। अगर बनाना एप्पल बनाना ग्रेप्स के अंदर लेकर चले गए तो एप्पल भी चला जाएगा ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बनाना का ऐसा पोर्शन हमेशा रहेगा जो ग्रेप्स के अंदर नहीं जा सकता, तो पहला करेक्ट है। ऑल एप्पल कैन नेवर बी पाइन एप्पल, तो इसको कैसे लिख लोगे? सम एप्पल आर नॉट पाइन एप्पल, कुछ एप्पल ऐसे हैं जो पाइन एप्पल नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। कोई भी एप्पल अगर पाइन एप्पल नहीं है, नो ए इज पाइन एप्पल, तो सम ए आर नॉट पाइन एप्पल भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा सर। अब चलिए तीसरा और फाइनल कंक्लूजन देखिएगा, 60% ऑरेंजेस बींग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, क्या 60% ऑरेंज ग्रेप हो सकते हैं क्या? नहीं सर, क्लियरली बोला गया था ऊपर, सिर्फ 55% ऑरेंज ही ग्रेप है, इससे 0.1% भी ज्यादा ऑरेंज ग्रेप नहीं होगा। ओनली जब इसने यूज किया है तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ओनली यूज करते ही ऑरेंज के परसेंटेज जो ग्रेप के अंदर जाने वाले हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है 55% की, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा, पॉसिबिलिटी में भी याद रखिएगा। तो 60% ऑरेंजेस ग्रेप सर नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, ये आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए एक छोटा सा पजल है, बहुत ही सिंपल पजल है, फटाफट से अटेम्प्ट कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें, 2 मिनट में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी द सॉल्यूशन, देख लेते हैं। 7 लोगों का बर्थडे है सर, 8 डिफरेंट महीनों में, मार्च से लेके अक्टूबर तक। तो जल्दी से देख लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर सर। ठीक है सर, और कोई वेरिएबल है नहीं तो एक कॉलम सफिशिएंट रहेगा, और केसेस की ज़रूरत पड़ी तो एक कॉलम और बना लेंगे। महीने में कितने दिन हैं वो ज़रूर लिख लीजिएगा, वो आपके बहुत काम आएगा बाद में। चलिए सर, अब याद रखिएगा, 7 लोग हैं, 8 आपके क्या हैं, पर्संस हैं, तो एक ऐसा महीना होगा जिसमें किसी का बर्थडे नहीं होगा। देर इज नो बर्थडे इन वन ऑफ द मंथ्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स हैज़ बर्थडे इन द मंथ ऑफ 30 डेज, एक्स 30 दिन वाले में है। ठीक है सर, 3 मंथ्स आर बिटवीन बर्थडेज ऑफ आर एंड यू। ठीक है, आर और यू के बीच में कितने हैं, 3 महीने है, याद रखिएगा। 2 पीपल, अब याद रखिएगा, जहाँ पर भी वेकेंट आ जाए तो पीपल और मंथ, डेज, सिटिंग्स, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर 3 महीने बोले थे तो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए थे, अब इसने 2 लोग बोले हैं, 2 महीने नहीं बोले, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे यू और वी के बीच में कितने हैं, 2 लोग हैं। ठीक है सर, वी हैज़ बर्थडे इन द मंथ ऑफ 31 डेज आफ्टर जुलाई। जुलाई के बाद 31 डेज वाला कौन सा आ जाएगा सर, या तो अगस्त या फिर अक्टूबर, तो 2 केस सर आप यहीं पर बना लीजिए सर, यहीं पर 2 केस बना लीजिए। एक बार आप ऐसा कीजिए, वी को यहाँ रखिए, एक बार वी को यहाँ रख लीजिए। अभी वी और यू के बीच में कितने का था सर, 2 का गैप था, 2 का गैप था। देखते हैं आगे और क्या बातें बता रखी है, अभी के लिए तो ये इतना यूज़ कर सकते हैं। टी हैज़ बर्थडे बिफोर डब्ल्यू, टी का बर्थडे कब है, डब्ल्यू से पहले, इमीजिएट बिफोर, सॉरी सॉरी सॉरी, इमीजिएट बिफोर बोल रखा है, तो जस्ट पहले है, बहुत ही बढ़िया। यू डज नॉट हैव द बर्थडे इन द मंथ ऑफ 31 डेज, इसका मतलब यू का बर्थडे कब आता है, 31 डेज वाले। अब ये चीज़ आप काम में ले सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन एक साथ देखिए, वी और यू में 2 पर्सन का गैप है, तो 1 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यू आ सकता है। अब आप बोलो कि सर बीच में कहीं वेकेंट आया तो लेट्स से कि 2 पर्सन हैं और एक वेकेंट आ जाए तो यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सर यू का बोला गया, यू 31 दिन वाले महीने में ही होगा, तो यू यहाँ नहीं आ सकता, यू यहीं पर आएगा, इसका मतलब बीच में कोई वेकेंट नहीं है। इसी तरीके से इसमें चेक कर लेते हैं सर, 1 2 यू यहाँ पर आ जाएगा, आपने बोला सर बीच में वेकेंट हुआ, वेकेंट हुआ तो यू यहाँ पर आएगा, पर सर यू में तो 31 दिन है तो यू यहाँ नहीं आ पाएगा, यू कहाँ आ जाएगा, यू इसमें यहाँ पर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब आर और यू में 3 का गैप है सर, 3 मंथ्स का, 1 2 3 यहाँ पर आर आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर सर आर आ जाएगा, 3 महीनों का गैप बताया था। चलिए सर, बहुत ही। अब टी और डब्ल्यू आपको लगातार चाहिए, उसकी कई पॉसिबिलिटीज आ रही हैं सर, तो अभी के लिए वेट करते हैं एक बार कि देख लेते हैं। एस हैज़ बर्थडे आफ्टर वी, एस का बर्थडे वी के बाद है, तो एस यहाँ पर आ जाएगा सर। केस नंबर 2 में तो वी के बाद जगह ही नहीं है, वी के बाद जगह ही नहीं है, तो एस को कहाँ बैठाएंगे सर, नहीं बैठा पाएंगे, तो ये केस आपका एलिमिनेटेड। अब सर आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन बची थी, एक तो ये कि सर टी और डब्ल्यू क्या है, लगातार हैं, और एक्स कब है, 30 वाले। ठीक है सर, कैसे कर सकते हैं, टी और डब्ल्यू लगातार ऐसे आ सकता है, टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू। ठीक है सर, अब मान लीजिए और क्या चीज़ें दे रखी थी सर, एक्स एज बर्थडे इन द मंथ ऑफ 30 डेज। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई वेरिएशन आपके बचा था क्या, और कोई भी वेरिएशन बचा था क्या सर, 3 मंथ्स, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 2 3 हो चुका था, हाँ जी, ओके ओके ओके। चलिए, इन दोनों के बीच में तो वेकेंट आएगा नहीं, ये क्लियर है, तो वेकेंट इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, इन दोनों में से कोई एक क्या आएगा आपके पास, वेकेंट आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, टी और डब्ल्यू क्या है लगातार, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, डब्ल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर, अब एक्स और 30 की बात हुई थी कि सर एक्स 30 दिन वाले में आएगा, तो 30 वाला सिर्फ 1 अप्रैल ही खाली है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका वेकेंट बन जाएगा, ये आपकी अरेंज। नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेट देखने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स के लिए कोई भी सोर्स नहीं ढूंढा है और काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे सोर्सेज हैं,
पिन पॉइंट करना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन परचेस कर लीजिए मात्र 315 रुपये, ओनली 315 रुपीज़ का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है पूरे साल के लिए। पूरे साल की जो करंट अफेयर्स है पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सोर्स ऐसा है कि किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी सभी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब इसके लिए करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा, प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा VIRTUOUS, वर्चुअस प्रोमो कोड यूज़ करेंगे और उसके बाद 315 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, करके फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब यार करंट अफेयर्स का बहुत ही सिंपल फंडा है कि वेट नहीं करना है कि सर प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, नहीं तब तक बहुत लेट हो जाएगा यार, तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। डेली 35 मिनट का समय निकालो करंट अफेयर्स के लिए और मेंस का जब तक आपका पेपर आएगा इतनी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी कि जनरल अवेयरनेस में जो बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करें, जो अच्छे से नहीं करते इनको निग्लेक्ट करते हैं रीजनिंग क्वांट्स और इंग्लिश के लिए वो बाद में बहुत पछताते हैं, तो अभी से अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो वहाँ पर बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और इन टर्न आपके जो बाकी सेक्शंस हैं उस पर उतना स्ट्रेस नहीं रहता है, उतनी डिपेंडेंसी नहीं रहती है, तो सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक कीजिए, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिए और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चलिए एक छोटा सा सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल है, नहीं सॉरी सर्कुलर अरेंजमेंट का नहीं है, ये रैंडम वेरिएबल का है, सॉरी रैंडम वेरिएबल का है। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया, लेट्स सी क्या दिया हुआ था। 8 पर्सन बिलोंग टू 8 डिफरेंट सिटीज, तो PQRSTUVW 8 पर्सन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, 8 सिटीज से बिलोंग करते हैं। जब भी रैंडम वेरिएबल का सवाल आए ना तो हमेशा एक कॉलम तो आप किसके लिए बना रहे हो, सिटी के लिए बना रहे हो, एक और कॉलम बनाइएगा वो रहेगा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, वो हमेशा काम आएगा आपका, ऑलमोस्ट सर्टेन है आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यू इज़ नाइदर फ्रॉम आगरा नॉर फ्रॉम लखनऊ, ना ही आगरा से है और ना ही कहाँ से है सर, लखनऊ से है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, टी इज़ फ्रॉम गाज़ियाबाद, टी कहाँ से है, गाज़ियाबाद से, सर बहुत ही बढ़िया। यू इज नॉट फ्रॉम लखनऊ मथुरा आगरा, यू कहां से नहीं है, लखनऊ से भी नहीं है सर, आगरा से भी नहीं है सर और मथुरा से भी नहीं है सर, ठीक है। डब्ल्यू इज फ्रॉम वाराणसी, डब्ल्यू कहां से है सर, डब्ल्यू है वाराणसी से, ठीक है। वी इज नॉट फ्रॉम अलाहाबाद लखनऊ मथुरा, वी कहां से नहीं है, अलाहाबाद से नहीं है, लखनऊ से नहीं है और मथुरा से भी नहीं है, ठीक है सर। आर इज आइदर फ्रॉम कानपुर और मथुरा, आर कहाँ से है, या तो कानपुर से है या फिर कहाँ से है सर, मथुरा से है, ठीक है। पी इज नॉट फ्रॉम लखनऊ एंड मथुरा, पी लखनऊ और मथुरा से नहीं है सर, ठीक है, नोट कर लिया है। पी एंड क्यू आर नॉट फ्रॉम अलाहाबाद, पी आपका अलाहाबाद से भी नहीं है और ये जो क्यू है ये भी अलाहाबाद से नहीं है। आइदर यू और वी इज़ फ्रॉम मुरादाबाद, यू और वी में से कोई एक ऐसा है जो कहाँ से है, मुरादाबाद से है, तो इस तरह से नोट कर लिया। अब आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अब देखिए नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही बहुत सारी है, उसी से आंसर आएगा, तो लेट्स चेक यार कौन सी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है जो बार बार रिपीट हो रही है। लेट्स चेक सर, मथुरा पे एक बार मैं फोकस करूं तो मथुरा आपका नहीं, मथुरा नहीं सॉरी अलाहाबाद से, अलाहाबाद यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर गाज़ियाबाद आ ही चुका है, अलाहाबाद यहाँ पर तो आ सकता है क्या। यू के लिए क्या बोल रखा था, लखनऊ मथुरा एंड आगरा था, अच्छा यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं सर अलाहाबाद मत देखिए, चलिए बाकी और क्या है, लखनऊ देख लीजिए, लखनऊ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो सर लखनऊ के लिए सिर्फ एक जगह बाकी रहती है और वो है एस, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, लखनऊ आ गया। चलिए सर लखनऊ क्लियर हुआ, किस पे फोकस करें सर, अब सर ऐसा कीजिए आगरा पे फोकस करते हैं सर, यहाँ पर आगरा नहीं है, यहाँ पर आ सकता है,
यहाँ पर आगरा नहीं है, यहाँ पर आगरा नहीं है, यहाँ पर आगरा नहीं है, यहाँ पर भी आगरा नहीं है, यहाँ पर भी आगरा नहीं है, पी पर भी सर आगरा आ सकता है। इलाहाबाद एक बार चेक कर लेते हैं सर, इलाहाबाद यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इनमें से किसी तीनों पे भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, सर इलाहाबाद की एक ही जगह बची है, इलाहाबाद कहाँ पर आ जाएगा, यू पर आ जाएगा। ठीक है सर, इलाहाबाद अगर यू पर आ गया तो वी पर ऑटोमेटिकली कौन आ जाएगा सर, मुरादाबाद आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, अब आपने काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ तो बिठा दी, अब क्या क्या बचे हैं सर, आपने क्या क्या बिठा दिए इनमें से, लखनऊ को बिठा दिया है, इलाहाबाद को बिठा दिया है, तो इनको हटा दीजिए, लखनऊ और इलाहाबाद को आप हटा चुके हैं सर। अब मथुरा पे ध्यान जा रहा है और आगरा पे, तो सर आगरा यहाँ नहीं, यहाँ तो भी नहीं, यहाँ पर 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 भी आगरा नहीं है, आगरा के लिए सर सिर्फ एक जगह बचती है, आगरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपका आगरा आ जाएगा, हटा दीजिए यहाँ से आगरा, यहाँ से भी आगरा हटा दीजिए। अब सर मथुरा की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं सर, मथुरा यहाँ पर नहीं आएगा, मथुरा आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा, मथुरा आपका यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो सर मथुरा के लिए कहाँ कहाँ जगह बचती है सर, सर मथुरा के लिए आपके पास दो ही जगह बचती है, क्यू और आर में। कानपुर की अगर बात करें तो मथुरा का यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर आपने फिक्स कर लिया है, तो सर इनमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, यहाँ मथुरा नहीं आएगा, यहाँ से हटा दीजिए। क्यू के लिए मथुरा की कुछ बात हुई थी क्या, फ्रॉम अलाहाबाद, ठीक है, क्यू का ऐसा कुछ नहीं था सर, मथुरा का ऐसा कुछ नहीं था, और आर के लिए बोला था कि सर आर या तो कानपुर से है या फिर मथुरा से है, तो सर कानपुर मथुरा यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, मथुरा कानपुर, तो ये हम सेट नहीं कर पाएंगे, ये हम सेट नहीं कर पाएंगे कि मथुरा और कानपुर कहाँ पर है, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी सेट है सर, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी कहाँ आ जाएगी, सेट हो जाएगी सर। हाँ जी, सभी के क्लियर है, आई होप सभी के क्लियर है, ये आपका फाइनल क्या बन जाएगा, अरेंजमेंट बन जाएगा। अब चलिए कुछ कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग के सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर डे वॉज गुड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। डे वॉज गुड, सर डे आपको मिल रहा है क्या, ये रहा सर डे, वॉज आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है सर, गुड आपको मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है सर, डे और गुड तो दोनों एक जगह पर ही मिल गए। अब इस सेंटेंस में से अगर ए और टुडे को निकाल दें तो गुड डे का मिल जाएगा, बिल्कुल सर, ए और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, तो इन दोनों में से कॉमन देख लो यार, क्या दिखाई दे रहा है सर, कॉमन हमको दिखाई दे रहा है एस यू, तो एस यू बाहर, ठीक है सर। टुडे का देख लो, टुडे कहीं पर रिपीट हो रहा है सर, टॉप पर रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन देख लो, कोई कॉमन दिखाई दे रहा है क्या सर, इन दोनों में से देखने पे एम यू कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एम यू क्या हो जाएगा, बाहर, पीछे क्या बच गया, डी ए के यू सर, डे और गुड का तो सेट हो चुका है, वाज का क्या किया जाए सर, वाज यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आया था, इसका मतलब जो वाज का कोड रहेगा वो भी इनमें से कोई नहीं रहेगा, तो एक बार सबसे पहले डी ए के यू को ढूंढ लीजिए, डी ए के यू, डी ए के यू ये मिल रहा है, और इसका तीसरा क्या मिल रहा है, पी ए, वाज के लिए क्या मिल रहा है, पी ए, पी ए कहीं पर रिपीट हुआ था क्या, पी ए पी ए पी ए, नहीं हुआ था, तो सर ये बिल्कुल कोड बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सर, गुड किंग का आपसे कोड पूछा जा रहा है, गुड किंग का आपसे कोड पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला सवाल तो आता है कि सर किंग का कोड क्या है, सर किंग ये रहा, किंग ये रहा, अब इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है सर, लाइक भी कॉमन आ रहा है सर, और कुछ कॉमन आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा सर, लाइक को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, लाइक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है सर, तीनों में सर पी ई पी ई पी ई कॉमन आ रहा था, तो सर लाइक का तो पी ई हो जाएगा, तो इसको तो बाहर निकाल देंगे, ठीक है सर। किंग का देख लीजिए, इन दोनों में से पी ई के अलावा और क्या कॉमन आया था सर, के ए नहीं आया था सर, एस यू नहीं आया था सर, के ई बिल्कुल आया था सर, तो किंग का क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। अब गुड की अगर बात करें तो गुड और कहीं पर रिपीट होता है, नहीं होता सर, ए और टुडे होता है, ए और टुडे तो आपके बाहर हो जाएंगे जो हमने पहले भी किए थे, एम यू और एस यू। अब सर ये डे का क्या किया जाए, डे और कहीं पर तो रिपीट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब गुड की दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, आइदर डी ए या फिर के यू, डी ए या के यू, अब सर दो दो पॉसिबिलिटी वाला कहीं आंसर है, नहीं है, नहीं है तो वो ढूंढो कौन सा सर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन ई आपका आंसर है। अब कैन नॉट बी डिटरमाइंड के बारे में छोटी सी बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपके पॉसिबिलिटी में आंसर होते हैं ना, तो या तो ऑप्शन में पॉसिबिलिटी में आंसर हो, नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड दो, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है कि एक आंसर आप डिटरमाइंड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, डेटा आपके पास सफिशेंट नहीं है, इसलिए एक आंसर नहीं दे पा रहे, और बिल्कुल हमारे साथ भी सर वही हो रहा है, एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी में आंसर आ रहा है,
ठीक है, तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और नया सेंटेंस दिया है इस सवाल में। इफ वाटर डे इज कोडेड एज इस तरह से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर वॉट गुड किंग। तो सर किंग का तो आपको पता ही है ऑलरेडी, किंग का तो ऑलरेडी सर पीई आ चुका है। अब गुड का सर क्या रहेगा? सर गुड की दो पॉसिबिलिटी थी, डे ए के यू। अब इसमें से डे आपका फिर से रिपीट हो रहा है, तो क्लियर हो जाएगा कि सर डे किसका कोड हो जाएगा। सर डे का कोड आ जाएगा आपके पास डी ए आ जाएगा, ठीक है सर। अब वॉट का आप कैसे निकालोगे? सर वॉट एकदम नया है और कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है, तो इनमें से कौन सा कोड है जो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है? सर ऐसा कोड है सर डी ई, ऐसा कोड क्या है? डी ई है। तो वॉट का क्या आ जाएगा? डी ई आ जाएगा। तो ये आपका कोड आ जाएगा पी ई डी ए डी ई, पी ए सॉरी पी ई डी ए डी ई। हाँ जी, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? डी ई तो वॉट का आ गया, ठीक है सर। गुड का क्या आ जाएगा? किंग का पी ई आ रहा था ना, गड़बड़ कर दी क्या? अरे किंग का पी ई नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। किंग का पी ई थोड़ी ना था, किंग का तो आपका आ रहा था दूसरा वाला, क्या था? के ई, सॉरी के ई आ रहा था, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। अब आ जाएगा के ई डी ए डी ई, के ई डी ए डी ई आना चाहिए। सर ये तो दिखाई दे नहीं रहा, किंग का तो बैठ गया था पर ये कैसे नहीं बैठा? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लग रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? के ई तो 100% आएगा, डे के लिए क्या करें सर? डे के लिए सर डे का, अच्छा डे का डी ए आया है ना, हमारा क्या है? वॉट गुड किंग है, सॉरी सॉरी सॉरी, डे का डी ए आया है तो गुड का फिर क्या आ जाएगा? गुड का सर के यू हो जाएगा ना। आप डे पे क्यों फोकस कर रहे हैं? सेंटेंस में डे तो है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माई मिस्टेक, के ई किंग का हो जाएगा, गुड का फिर क्या आ जाएगा? के यू आ जाएगा, के यू आ जाएगा, और वॉट का क्या आ जाएगा सर? डी ई आ जाएगा, ये आपका बनेगा सॉरी, डी ई के यू के ई। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट कर दिया इसमें, माफी चाहूंगा। चलिए एक सवाल और है, व्हाट डज द कोड एनी स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो एनी ढूंढ लीजिए कहाँ दिखाई दे रहा है सर? एनी सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी नहीं है सर। इज और कहीं पर रिपीट होता नहीं होता सर। लाइक रिपीट होता है ये बाहर, टिल रिपीट होता है ये बाहर, किंग रिपीट होता है ये बाहर। सिर्फ एनए का जो भी वर्ड रहेगा वो और कहीं रिपीट नहीं होगा, कारण सर एनए खुद भी तो और कहीं पर रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका वर्ड भी कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। और ऐसा वर्ड इस सेंटेंस में सिर्फ कौन सा है सर? इज है। तो इज आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जी एक सवाल और है, व्हाट डज द कोड के ए स्टैंड फॉर। के ए का मतलब क्या रहेगा सर? के ए आपको कहाँ मिल रहा है सर? सिर्फ पहली जगह पे के मिल रहा है, तो सर के ए पहली जगह पे भी मिल रहा है सर, दूसरी जगह पे भी मिल रहा है, दो जगहों पर है, इन दोनों में रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है सिर्फ दो जगह रिपीट हो रहा है और कहीं रिपीट नहीं हो रहा? सर लिव का देखते हैं, सर लिव यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लिव यहाँ पे रिपीट हो रहा है और कहीं नहीं रिपीट हो रहा, तो ये आ जाएगा आपका लिव आ जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, जैसे लाइक भी कॉमन आ रहा है पर लाइक और जगहों पर भी यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लिव आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ सवाल थे आज के सेशन में, अब ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ साथ न्यू पैटर्न सिलॉग्स के जो 5 पार्ट की सीरीज़ है उसको भी फॉलो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सिलॉग्स में डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो वो 5ों पार्ट अगर आप देख लेंगे तो न्यू पैटर्न सिलॉग्स के जो कंसेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। इसके अलावा अनअकैडमी पे भी डेली सेशंस रहते हैं यार, उनको फॉलो कीजिए। अगर उनके बारे में और जानना चाहते हैं, मुझे अनअकैडमी प्लस के मेरे कोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं, और चाहे आप सिर्फ मेरा ही नहीं, देखो यार आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सिर्फ मेरे ही कोर्सेज नहीं, जितने भी फैकल्टी है जितने भी टीचर्स हैं प्लस पे, सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, सभी की जो लेसन्स है आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरा अगर आप एनरोल कर रहे हो तो सिर्फ मेरा ही कर सकते हो, नहीं सभी का आप कर सकते हो एक बार प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते। अब जब भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, बस इतना ध्यान लीजिएगा कि रेफरल कोड आप मेरा यूज़ करें, DHRUVSIR। अब इसके बारे में अगर आप और जानना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये रहा, इस पर कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा अपने नेम के साथ, और जानकारी मैं इसके बारे में आपको दे दूंगा। तो
चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।